तक यहाँ पे पहलवान नहीं है तब तक अंकल जी से पूछ लेते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग अभी पता किए हैं, मतलब लोगों से पूछे हैं कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, तो बता नहीं पाया, तो आप जरा बताएंगे हमारे व्यूअर को कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। मुहर्रम मनाने का मेन जरिया ये है कि इस्लाम धर्म में हक और बातिल की बहुत बड़ी अहमियत है। और मैदान करबला की जो लड़ाई हुई वो हक और बातिल की हुई। एक तरफ से सच्चाई गई, सच्चाई को बुलाया गया, हक को बुलाया गया और बुला करके मेहमान बना करके अपने घर बुलाया गया और बुला करके उनके साथ धोखा किया गया। चारों तरफ से पहरा लगाया गया, पहरा लगा करके उनके साथ धोखा किया गया और बारी बारी हजरत इमाम हुसैन अली मकाम के पूरे खानदान को शहीद किया गया और शहादत नोश फरमाने के बाद उनके पूरे कुंबा को घोड़े पर नंगे ऊंट के नंगे पुष्ट पर बैठा करके इन लोगों को कूफा दमिश्क की तरफ ले जाया गया। यजीद की हार हुई और हुसैन की जीत हुई। हुसैन सर कटा के भी जिंदा रहे लेकिन आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है और हजरत इमाम हुसैन का दीवाना पूरी दुनिया का एक एक बच्चा है। इसलिए इस्लाम को जिंदा किया अगर हुसैन ने, तो इसलिए मनाया जाता है कि आज के दिन इस्लाम जिंदा हुआ, हक की जीत हुई, हक की लड़ाई थी, इसलिए करबला को मनाया जाता है। और जो आपने पूछा खुशी की बात जी, तो इमाम ये करबला की लड़ाई जो हम मुहर्रम मनाते हैं ये गमे हुसैन है। अच्छा, ये हम इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। अच्छा, गम मनाते हैं और साथ ही खुशी इस बात की होती है, आखिर में खुशी इस बात की होती है कि मैदान करबला में हजरत नबी के नवासे हक के लिए अपने सर को कटा दिए लेकिन इस्लाम के परचम को जिंदा रखे, उस पर आंच नहीं आने दिए। इसलिए हम हजरत इमाम हुसैन को मनाते हैं। और ताजिया जो आपके भी सामने दिखाई दे रही है, ये ताजिया का दो मानी है। ताजिया का मतलब, ताज का मतलब होता है सर का ताज, और या का मतलब होता है जिंदा। तो हम हाजिर नाजिर मान कर इमाम हुसैन अली मकाम के सर का ताज बनाते हैं और उसका ज़ियारत करते हैं। और उसमें तरह तरह का प्रोग्राम जैसे लाठी जारी, जारी में मरसिया पढ़ा जाता है और ऐसे खेल कूद जैसे आज के दिन में हम लोग वो करके उनकी याद को ताजा करते हैं। ढोल तमाशा जो बजता है उस पर भी बहुत लोग उंगली उठाते हैं लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसे मैदान करबला में डागा बजता था लड़ाई के लिए, वो आज दिन है और हम डागा बजकर इमाम हुसैन अली मकाम का दीवाना अपने आप को साबित करते हैं। ये हमारी सच्चाई। तो भाई एक ही सवाल में अंकल जी सारे आंसर दे दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अंकल जी। ठीक है।